गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम नशा मुक्ति अभियान के लिए यहाँ पे सब कोई एक साथ जमा हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नशा ये बहुत ही छोटा शब्द है, दो अक्षर का शब्द है, लेकिन पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। हमारा जो भारत का भविष्य है वो आज युवा पीढ़ी पे, जो उज्जवल भविष्य है युवाओं पे ही टिका है, लेकिन जब ये युवा पीढ़ी ही गलत रास्ते पे चलने लगती है तो उनके भविष्य के साथ साथ देश का भी भविष्य अंधकार की ओर चल पड़ता है। आज मतलब छोटी छोटी खुशियों को इजहार करने के लिए लोग पार्टियां करते हैं, और लोग पहले था कि पार्टी का मतलब होता था सब एक साथ इंजॉय करना, आज इंजॉय का मतलब होता है नहीं, दारू पार्टी होना चाहिए, ऐसा है। पहले मुगल जब आए थे तो वो लोग दारू, मतलब उन लोग नशीली पदार्थों का सेवन करते थे। फिर हमारे यहाँ अंग्रेज आए, वो कुछ अलग टाइप के वाइन्स वगैरह सब मतलब हमारे देश में आया। धीरे धीरे ऐसे करते करते पूरा यहाँ का वातावरण ही बदल गया भारत का, और लोग नशे की ओर चल पड़े। आजकल घर परिवार में, जिस घर में नशी मतलब लोग, कोई भी एक भी अगर इंसान जो मतलब आदमी नशे का सेवन अगर कर रहा है तो पूरा घर का वातावरण ही बदल जाता है, खुशियां चली जाती है, मार पीट घरेलू हिंसा सब होने लगते हैं। नशा से सब जानते हैं कि नशा हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी नशा करते हैं। ये धीरे धीरे एक आदत सी बन जाती है। कई लोग शौक से नशा करते हैं, कई लोग आजकल कहते भी हैं कि नहीं, नशा करने से, वाइन पीने से मोटे होते हैं। बहुत लोग ये सोच के भी नशा करते हैं। कई लोग जो शौक से नशा करते हैं वो धीरे धीरे एक आदत बन जाती है, और फिर इसे छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। ये एक मैं बोलना चाहूँगी, नशे में रहोगे चूर तो हो जाओगे अपनों से दूर। एक पल का नशा जीवन भर सजा ही सजा हो जाता है। अंत में मैं यही बोलूंगी, क्यों होते हो बदनाम, बंद करो नशे का पान। थैंक यू ऑल ऑफ यू।